सबसे पहले आपको मेरी नमस्ते प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कुसुमबाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को जहाँ से भी आप देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों से कुसुमबाड़ी ब्लॉग को शेयर करना। और मैं आपको हर रोज़ नई नई वीडियो दिखाती रहूँगी। तो ये मेरी बेटी की शादी का सीन है। देखो, इतनी सुंदर मेरी बेटी लग रही थी ना उस दिन। 2015 की उसकी शादी है और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो उसकी पार्लर वाली मौसी है, श्रीनगर रहती है, उसने उसका मेकअप करा था। ऐसी लग रही थी जैसे गुड़िया है, गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। और देखिए, 26 साल में हमने उसकी शादी कर दी है। आज देखिए, बहुत इतना बुरा लगा जब बेटी की शादी करी हमने। मतलब घर परिवार अच्छा था सब चीज़, लेकिन पर क्या है, बेटी की शादी को से इंसान होता ही है भावुक। जब बेटी की शादी होती है, हर किसी का मन भावुक हो जाता है, माँ बाप का। तो देखिए, बहुत धूम धड़ाके से हमने उसकी शादी करी। ये देखो, ये मेहंदी का सीन है। यहाँ पे उसकी ताई जी डांस कर रही है। ये देखो, मेहंदी वाला सीन है। ये मेहंदी के दिन की वीडियो है उसकी। ये देखो, सब मेरी देवरानी, ये ममता आपने देखी होगी, ये नंद मेरी अजमेर रहती है, वो नाच डांस कर रहे हैं यहाँ पे। ये उसकी फ्रेंड है अंजलि और संगीता। और देखो, इतनी सुंदर लग रही थी मेहंदी वाले दिन भी ये सब। ये देखो, ये हम उसकी बड़ी वाली बुआ है ब्राउन साड़ी में। ये देखो, ये हम दोनों माँ बेटे। उस समय होश ही नहीं था, होश ही नहीं रहता है दोस्तों, जैसे कि तोते उड़े रहते हैं, क्योंकि इतनी टेंशन में रहता है। बेटी की शादी में कुछ ज़्यादा ही। ये उसकी मौसी, बड़ी वाली पार्लर वाली, छोटी मौसी, ये हमारे पड़ोसी। और ये देखो, ये वीडियो देखो, ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये उसकी मौसी और उसकी छोटी वाली मामी, येलो वाली और ग्रीन वाली। यहाँ पे उसके ताऊ जी लोग, ये उसके पापा और ये उनके फ्रेंड। और यहाँ पे ये उसकी फ्रेंड है, ये उसके बड़े ताऊ जी, ये उसके फूफा जी, ये सब है। उसके पापा यहाँ पे हो रहा है, वो गणेश पूजा हो रही है यहाँ पे। और मंगला स्नान वाले दिन की है ये। ये देखो, मंगला स्नान हो रहा है यहाँ पे। और ये छोटी छोटी कन्याएं सब वो कर रहे हैं, हल्दी कूट रहे हैं। और हमारे उसमें जो है हल्दी की रस्म होती है सुबह, अलग स्पेशल। और यहाँ पे ये देखो, मेरी भतीजी छोटी थी उस समय। और यहाँ पे मतलब कन्याओं से शुरू होती है हल्दी, पहले कन्या लगाती है तब और लगाएंगे। ये देखो, ये मैं बड़ा भावुक हो रहा था मन उस समय, जब सुबह वो हो रहा था मंगल स्नान और उसके शादी के दिन की। ये भी मेरी भतीजी है। और ये देखो, ये पूनम मेरी देवरानी, देखी होगी आपने, गांव में देवरानी है उसकी चाची। और देखते रहना आप, यहाँ पे जो है सुबह बांधे होते हैं ना, तो पूरे परिवार के लोग सब बांधे देते हैं, हल्दी लगाते हैं। ये उसके पापा हैं, यहाँ पे उसकी ताई जी है, ये उसकी मामी है, उसकी मौसी हैं, ये सब पूरे परिवार के लोग जो हैं हल्दी लगाते हैं दुल्हन को। सुबह मंगला स्नान होता है हमारे, उसमें एक रस्म होती है मंगला स्नान की, बहुत सुंदर रस्म होती है। यहाँ पे ये सब रिश्तेदार हैं। देखो, ये मेरी चाची भी हैं और उनकी मामी, उसके पापा की मामी। और ये हमारी नंद जेठ ससुर जी हैं, उनकी बहू। ये मेरी बड़ी वाली बहन है पीली साड़ी में। यहाँ पे उसकी बुआ है, मौसी है, कौन है, मेरी बुआ है। सब पूरे ही परिवार के लोग जो है हल्दी लगाते हैं। और फिर यहाँ पे देखो, ये उसकी भाभी है, ये ममता है, और ये सब परिवार के लोग हैं, मतलब रिश्तेदार हैं। और मतलब हल्दी की रस्म इस तरह से होती है, बड़ी सुंदर। ये पड़ोसी हैं उसके दादाजी, देखो इसके दादाजी, मेरे ससुर जी और मौसी, ये मेरी देवरानी है, मतलब कज़न की, कज़न में। और दादाजी देखो, राम, ये मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाई, पुरानी याद है मेरे, बहुत मन था कई दिन से
कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, इसकी एल्बम की। यहाँ पे उसके ताऊ जी हैं, ये दादाजी हैं, गांव में देखे होंगे आपने, चाचा जी जो वो हैं, पता नहीं कौन है, ये पड़ोसी हैं इधर। और सब लोगों ने जो है बांध दी, हल्दी लगाई। और स्पेशल रस्म होती है, ये मेरी फ्रेंड हैं, मेरी फ्रेंड हैं, और ये उसके अजमेर वाले फूफा जी, ये फूफा जी सबसे बड़े वाले रहे, इनकी कोरोना में डेथ हो गई और हमारे बीच नहीं है। और ये देखो सब, ये बिट्टू है, ये बिट्टू है, और गौरव, ये राहुल है, और उसके मौसा जी, और ये भी फूफा जी हैं। और देखो सारे परिवार ने वो रस्में, ये हिमांशु है, कोई तो मेरे पहचानने में भी नहीं आ रहे बहुत से, तो ये मेरी फ्रेंड ही हैं, ये देखो मेरी फ्रेंड है हिमांशु, देखो कितना पतला है उस समय, देखा आपने हिमांशु है, ये क्रीम से कलर की जिसने शर्ट पहनी है, हल्की सी दाढ़ी है। उस समय हिमांशु का BCA का फाइनल था। और ये देखो ठीक है, देखते रहे आप मेरी वीडियो को, मैं आपको दिखाती रहूँगी। और यहाँ पे ये उसके मामा है, यहाँ पे देखो ये मंगला स्नान हो गया, नहाना धोना हो गया, यहाँ पे ये मामा है, और दोनों मामा है उसके, बड़ा मामा छोटा मामा, ये देखो नहा गई है यहाँ पे। और नहाने के बाद वहाँ पे पहन रही है पैरों में पायल, उसके दादाजी भी हैं। नहाने के बाद भी हमारे यहाँ जो है गणेश पूजा होती है, ये उसका मामा ना उसे गोदी में ले जा रहा है, जब मतलब मंगला स्नान के बाद उससे मामा ले जाता है गोदी में, हमारे यहाँ रस्में होती है, और गोदी में वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे गणेश पूजा होती है। ये देखो ये पांडाल है उसकी शादी का, सर इतना सुंदर सजा हुआ था ना उसका पांडाल शादी का, बहुत सुंदर देखे। और इतनी भीड़ भी थी, इतने लोग भी थे कि भगवान ही मैनेज करने वाला, सारा भगवान ही होता है। मुझे चिंता हो रही थी भगवान कैसे क्या होगा, लेकिन इतना खूबसूरत था हर एक चीज़ कि देख के सब दंग रह गए, बहुत सुंदर था। वे भाई के दोस्त आ रखे थे, सारे भाई के दोस्त हैं ये छोटे वाले के, और यहाँ पे ये सारा परिवार हमारा, और लोग सब खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे देखो कोई डांस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ना वो लिख रहे हैं, हमारे यहाँ न्योता लिखते हैं ना, जैसे कोई कोई भी पैसे उसे देते हैं तो उसको लिखते हैं, तो लिख रहे हैं यहाँ पे उसके दोनों फूफा जी। और यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं, ये हिमांशु के दोस्त हैं, ये खाना खा रहे हैं। और गांव के लोग भी आ रखे थे, कोई मेहंदी में आए थे तो कोई शादी वाले दिन आए थे। और यहाँ पे उसके ताऊ जी और इसके पापा, ये गांव के लोग, ये उसके मामा, ये देवर मेरा राजेश देवर, देवर जी, और ये सारा परिवार के लोग हैं, गांव के लोग भी हैं इसमें। कुछ तो पहचाने में भी नहीं आ रहे, मेरे तो पहचाने में भी नहीं आ रहे कौन है, क्योंकि हमारे गांव के जो दिल्ली रहते हैं लोग ना, वो भी आ रखे थे यहाँ पे। देखो मेरी चाची हैं, मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड जी हैं, ये हिमांशु, हिमांशु के दोस्त, ये उसके ताऊ जी देवर हैं, ये उसके पापा हैं। और ये आ गई बारात बिल्कुल गेट पे, ये देखो हमारे दामाद और उनके बड़े वाले जेठ का बेटा है, ये आगे से बैठा हुआ घोड़ी में, ये बारात आ गई चल के, तो देखे दामाद जी भी पहुंच गए गेट पे, और ये फटाफट बारात आई, बारात आ गई देखो गेट पे, सब लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। ये मेरी छोटी बहन है, उसका बेटा, और ये मेरी बहन नानू चाचा की बेटी, और ये मेरी बहन के हस्बैंड है, आपने देखे होंगे। ये देखो बारात आ गई गेट पे, बारात का स्वागत हो रहा है, देखो तो बड़े सुंदर से बारात का भी स्वागत हुआ। और ये मेरा भाई है बड़ा वाला,
बारात का स्वागत कर रहे हैं सब, यहाँ पे स्वागत हो रहा है। अब देखे ये आ गई बारात, वो घोड़ी में चढ़ के आ गए अंदर, और ये दूल्हे अर्घ हो रहा है। मतलब जब बारात आती स्टेज में, हमारे यहाँ पूजा होती है दूल्हे की। ये देखो सुंदर से आ गई दुल्हन भी सज के। ये देखो दुल्हन, ये हिमांशु के दोस्त है, और ये हैप्पी भैया, ये हिमांशु है। देखो फिर है मुझे कुछ, इसके पापा दूल्हे अर्घ हो रहे हैं। मतलब पूजा होती है हमारे यहाँ जब दूल्हा, ये देवरानी उरानी सब सबकी फोटो, देवरानी रीता पिता, और यहाँ पे ये दूल्हा दूल्हे की भाभी और दूल्हे की बहन, ठीक है। और ये बारात आ गई, ये लड़की भी आ गई रे ऊपर, वो बना रखा था क्या बोलते हैं उसको, वो जो घूमता है गोल गोल जयमाला के लिए, ऊपर स्टेज बना रखा था दूल्हा दुल्हन के लिए। तो लड़की कह रही थी मम्मी नहीं बनाना है, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है उससे। पर नहीं, मैं इनका कुछ डर नहीं लगता है बेटा, बहुत अच्छा होता है। उस समय फैशन भी था, अब तो इसका तरह तरह के फैशन, तरह तरह के से जयमाला हो रही है। नई नई फैशन, नई नई जमाने के हिसाब से हर एक चीज़ नया नया। तो यहाँ पे जयमाला हुई, और ये देखो जयमाला हो रही है, बहुत सुंदर लग रही थी वाकई में, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना उस शादी वाले दिन। वैसे भी उसका वैसा फेस गोल और गोरा चिट्टा रंग है, तो मौसी ने उसका इतना सुंदर मेकअप करा रखा था ना उसकी मौसी ने, कि दिल खुश हो रहा था। और यहाँ पे देखो फटाफट फोटो शूट हुई सबकी, दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो शूट हुई, बड़ा सुंदर स्टेज सजा हुआ था। और देखो यहाँ पे जयमाला हो रही है, तो ये जयमाला भी हुई, और यहाँ पे फिर फोटो शूट होने लगे। और ये देखो ये उसके सास ससुर हैं, उसके सास ससुर उनकी फैमिली, और उसके सास ससुर भी अभी जवान है, बूढ़े नहीं है। यहाँ पे देखो दादा दादी और दोनों दोनों के दोनों देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, दादा दादी उसके दादाजी, देखो कितने, दादी भी जवान लग रही है, इतने सुंदर हो रखे दादाजी भी। देखो दादा दादी, देखो दादा दादी दोनों इतने सुंदर लग रहे थे ना दादा दादी, बहुत अच्छे। और देखो देखते रहो आप, इतनी सुंदर वीडियो एल्बम बना था शादी का। और यहाँ पे देखो उसके नाना नानी, मेरे मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी भी देखना कितने मम्मी पापा जवान है, बिल्कुल यंग लग रहे हैं। वैसे पापा लंबे चौड़े इतने स्मार्ट लगते हैं ना, देखो आप मेरे कहने से नहीं, आप भी देखो। और ये देखो हिमांशु, ये कौन है, राहुल, और यहाँ पे हिमांशु देखो उनके साथ, हिमांशु की फ़ोटो, बस समझ में नहीं आ रहा पैसा। ये देवरानी उनकी फैमिली, बच्चे देखो कितने छोटे छोटे थे उस समय। यहाँ पे ये विकास, विकास की फैमिली है, विकास की एक बेटी तो सही ममता, देखो हाँ ये देखो ये हम है उस हमारी फैमिली, पापा हिमांशु में, देखो नहीं सुंदर लग रही है। देखो मुझे याद आ रही थी कई दिन से, मैं ताज़ा करना चाह रही थी याद, इसलिए आज हमने उसी का ही देखते देखते पूरा मतलब वीडियो उसी का बना दिया आज। ये देखो ये मामा, ये मेरे मायके का ग्रुप है, मतलब मायके के सारे भाई बहन, मामा मेरे भाई बहनें सब हैं हम। और यहाँ पे ससुराल का ग्रुप है, मतलब मेरे नंदे हैं, जेठ सारे हैं। और यहाँ पे ये मेरे चाचा हैं, पापा हैं, और ये मामा जी लगते हैं हमारे। यहाँ पे उसके पापा, यहाँ पे मैं और मेरी बेटी, यहाँ पे दामाद और ससुर, ठीक है। और यहाँ पे रात जब फेरे होते हैं, फेरों का सीन है ये, यहाँ पे रीता पहना रही है सारी ज्वेलरी। हमारे उसमें ये होता है कि या तो बहन पहनाएगी या तो भाभी पहनाएगी, मतलब ये दोनों ही ज्वेलरी पहनाते हैं रात। ये हिमांशु है, हिमांशु भी पूरी रात भर था उस दिन वहाँ पे। और सुबह उसे उसकी मौसी, ये उसकी मौसी हैं, ये तीनों मौसी लगती हैं उसके। और यहाँ पे देखो हिमांशु वो दे रहा है छुलके, देते हैं जब वो देते हैं ना खील फेरों के टाइम की। और यहाँ पे उसके पापा कन्यादान कर रहे हैं, हम वहाँ पे कन्यादान हो रहा है, रात का सीन है। ये फटाफट यहाँ पे फेरे हुए, और पूरी रात भर जगना पड़ता है,
लड़के की शादी में, और कुछ होश नहीं रहता है कि क्या हो रहा क्या नहीं, बस काम करते रहो, दिमाग चलता रहता है पर समझ में कुछ नहीं आता क्या करना है। ये देखो यहाँ पे फेरे हो गए हैं, पूरी पूरे फेरे हो चुके हैं, यहाँ पे सिंदूर डाला जा रहा है, और यहाँ पे देखो फेरे हो रहे हैं। अब वो तो ऐसे है, देखो सारे यशपाल हमारे दामाद के दोस्त बैठे हुए हैं, फेरों के टाइम सब दोस्त थे, ये उसके ससुर जी हैं लड़के के, और रात भर उसकी जेठानी ससुर जी उसकी नंद सब थे फेरों फेरे फेरे के टाइम पे, और यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं उसके ससुर जी, मतलब फेरे पूरे यहाँ पे उसके पापर में आशीर्वाद, बस यहीं से पैर फूल गए थे मेरे, और बस लड़के की विदाई होने वाली थी, बहुत बुरा लग रहा था दोस्तों। हर किसी की लड़के की शादी में जिसका मन नहीं भी होगा ना भाव, उसका भी हो जाता है विदाई के टाइम, ये विदाई की तैयारी हो गई है यहाँ पे, ये लड़की ससुराल जाने लग गई है, उसकी विदाई हो रही है देखो। और यहाँ पे इतना भावुक पल था कि सबकी आंखें नम हो गई, और विदाई हो रही है देखो, उस पापा से कैसे रो रही है, मामा उसको लेके आ रहा है ऊपर से, और देखो इतना रोना आता है जैसे तीर चुभ गई हो छाती पे, बहुत अपने बच्चे को अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करना एक बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, वो ही माँ बाप जान सकते हैं जिनके घर में बेटी हो, कि कितना मन अंदर से टूटता है उस समय, कह नहीं सकती मैं। तो ये चली गई लड़की अपने घर में। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो का एंड करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कुसुम पाड़ी को आगे तक बढ़ाते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मेरी वीडियो। तो गुड बाय।